हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो क्या आपके पास बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, या आपको नहीं पता है कि कब कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट किस स्टेप में अप्लाई करना चाहिए? देन डोंट वरी गाइस, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट अप्लाई करने में आता है। देखो, अगर सही एप्लीकेशन और सही स्टेप से अगर हम स्किन केयर प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं करते हैं ना, तो उनका हमको वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है जो एक्चुअल में मिलना चाहिए। अगर आप इन सारे स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में फॉलो करते हो तो एक अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देख लेते हैं। बिफोर एनी स्किन केयर हम फेस पे से मेकअप रिमूव कर लेंगे, साथ ही साथ जो डर्ट्स रहेगा या फिर कोई इम्प्योरिटीज़ रहती है वो क्लीन हो जाती हैं। तो डायरेक्टली हम कोई फेस वॉश पे मूव ऑन नहीं करेंगे। मैं सबसे पहले एक वाइप्स यूज़ करती हूँ। ये जॉनसन्स बेबी का वाइप्स है, काफ़ी अच्छी रिफ्रेशिंग स्मेल है इसकी और काफ़ी अच्छे से सारा रिमूव हो जाता है मेकअप वगैरह। आप देख सकते हो, मैं इस तरह से देखे आप चाहें तो कोकोनट ऑयल वगैरह ले सकते हैं और एक कॉटन के कपड़े में उस कोकोनट ऑयल को लेके अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। बट मुझे ज़्यादातर ऑयली क्लेंज़र पसंद नहीं है। और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत हार्शली कर रही हूँ, बट बहुत लाइट हैंड से मैं कर रही हूँ और यू कैन सी काफ़ी अच्छा खासा रिमूव हो जाता है। ठीक है, अभी वाइप्स का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और उसके बाद मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये फेस वॉश काफ़ी अच्छे से फेस क्लीन कर देता है। अगर आपको पिंपल का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। फेस में एक रिफ्रेशिंग फील दे देता है, ब्राइटन में हेल्प कर देता है और माइल्ड है, आँखों में लगता नहीं है। काफ़ी अच्छे से अदर मेकअप अगर कुछ बच भी जाता है तो वो भी रिमूव हो जाता है। तो मैं सबसे पहले फेस वॉश कर लेती हूँ, देन आपके साथ बात करती हूँ। स्क्रब के लिए मैं यहाँ पे सॉफ्ट टच ऑर्गेनिक फेशियल स्क्रब फॉर ऑल स्किन टाइप यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी बड़ा टब है, मैं मोस्ट ऑफली इसे ही यूज़ करती हूँ। वो इसमें वॉलनट्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स फील हो जाते हैं, तो इम्प्योरिटीज़ को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है। तो काफ़ी जेंटली मसाज इस तरह से देते हुए, जहाँ पे आपको ब्लैक हेड और वाइट हेड का प्रॉब्लम है वहाँ पे आप इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज दीजिए। आपको लिप्स पे भी कर लेना है ताकि जो भी डेड स्किन रहेगी लिप्स की वो भी निकल जाती है और ब्लैक हेड और वाइट हेड्स भी काफ़ी अच्छे से निकल जाते हैं। और इसकी स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। मैं कम से कम इसे वीक में 2 या 3 बार तो अप्लाई कर ही लेती हूँ। तो स्क्रबिंग करके हो गया है, मैं 1 से 2 मिनट ही स्क्रब करती हूँ, ज़्यादा स्क्रब नहीं करती हूँ। स्क्रबिंग हो गई है, मैं फेस वॉश के बाद आपसे मिलती हूँ। फेस को हमने काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब बारी आ जाती है टोनिंग की। तो टोनिंग के लिए मैं यहाँ पे ककुम्बर ग्लो टोनर यूज़ करने वाली हूँ और कभी कभार मैं यहाँ पे ये गुड वाइब्स का रोज फेसियल मिस्ट भी यूज़ कर लेती हूँ और मेरे पास रोज़ वाटर भी है डाबर का, वो भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इन तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट टोनिंग मस्ट है, आप ज़रूर इसे स्किप ना करें। अभी तक जो भी हमने क्लेंजिंग एंड स्क्रबिंग किया है तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो टोनिंग से पोर्स क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है, अदरवाइज़ आपको पिंपल हो सकता है। तर से शेक करते हुए मैं अप्लाई कर लूँगी। इसकी काफ़ी अच्छी और रिफ्रेशिंग स्मेल है, मुझे ये बहुत पसंद आ जाता है, लिटरली खीरे की स्मेल आती है इसमें।
टोनर अच्छे से स्किन में अप्लाई हो चुका है, अच्छे से एंटर हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो, फेस सीरम यूज़ कर सकते हो, आई सीरम यूज़ कर सकते हो। तो इन तीनों ही स्टेप के लिए मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का क्यूकम्बर एंड लेमन अंडर आई सीरम यूज़ करती हूँ, और उसके बाद फेशियल ऑयल के लिए मैं यहाँ पे कोकोनट कैरियर कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करती हूँ। ये फेस सीरम के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा वर्क कर देता है। फेस सीरम के लिए मैं यहाँ पे रोज हिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम यूज करती हूँ। मुझे ये तीनों प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले हम आई सीरम अप्लाई करेंगे। तो इसके दो तीन ड्रॉप्स आपको अंडर आई में इस तरह से अप्लाई करनी है। ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, वाटरी टेक्सचर है इसका, और अगर आपको डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा वर्क कर देता है। रिंग फिंगर की हेल्प से इस तरह से राउंड में लेते हुए आपको मसाज देना है, क्योंकि रिंग फिंगर आपकी आईज पे बहुत लाइट वेट होती है। इससे ज़्यादा अगर आप प्रेशर देंगे तो डार्क सर्कल और भी बढ़ जाते हैं। देन आई सीरम हो गया है, उसके बाद आ जाता है फेस सीरम की। तो मैं यहाँ पे ये रोज हिप सीरम यूज़ करने वाली हूँ। इसका एक पंप लेती हूँ, इनफ हो जाता है एक पंप। देन इस तरह से हथेली में थोड़ा सा वॉर्म करती हूँ, डायरेक्टली मैं अप्लाई नहीं करती हूँ। वॉर्म करने के बाद ये और भी अच्छे से और जल्दी एंटर हो जाता है। देन अब आप जो भी स्टेप फॉलो करेंगे ना, ध्यान रखें कि उसमें आपको थोड़ा थोड़ा फेस पे मसाज देना है। फेशियल ऑयल के लिए मैं अगेन यहाँ पे गुड वाइब्स का ये कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जस्ट 2 या 3 ड्रॉप्स ही लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये प्रोडक्ट अप्लाई किए हुए हैं। तो इस तरह से वॉर्म करना है थोड़ा सा। देन ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर देना है। देख रहे हैं एवरी स्टेप पे स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और हाइड्रेटिंग फील होगी आपको। उसके बाद बारी आ जाती है फेशियल मास्क की। तो ये क्यूकुम्बर फेयरनेस फेशियल मास्क मिराबेल कॉस्मेटिक का मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो मैं कैमरा में देख के ये फेशियल मास्क अप्लाई कर रही थी, तो थोड़ा सा ये टेढ़ा लग गया है, लेकिन आप मिरर में देख के अच्छे से इसको अपने फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छे से सेटल कर देना। और उसके बाद 15 से 20 मिनट आप रिलैक्स करो, टीवी मत देखो, फ़ोन मत यूज़ करो, थोड़ी देर आंखें बंद करके रिलैक्स करो। फ़ोन देखोगे, टीवी देखोगे तो फिर वो कोई मतलब का नहीं है। सीरियसली रिलैक्स, यानी रिलैक्स करना है। मैं मिलती हूँ 15 या 20 मिनट के बाद आपसे, ठीक है? काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है और ठंडा ठंडा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखा था। 10-15 मिनट हो गए हैं, तो नाव मैं इसे रिमूव कर दूंगी। एंड जो भी फेशियल ऑयल आपके फेस पे बचा होगा उसे आपको एक मसाज देना है। जब तक वो ऑयल आपकी स्किन में एंटर ना हो जाए, तो स्किन में काफ़ी अच्छे से एंटर हो गया है फेशियल ऑयल, एंड यू कैन सी ऑलराइट। तो इसके बाद मॉइस्चराइज़र की बारी आ जाती है। तो मॉइस्चराइज़र में आप अगर अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली कोई मॉइस्चराइज़र चॉइस करते हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र नॉन ऑयली फ्रेश फील विटामिन ई एंड ग्लिसरीन यूज़ करती हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और स्किन में बहुत जल्दी से एंटर हो जाता है। तो इस तरह से मैं लूंगी हाथों में एंड ब्लेंड करते हुए ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर लूंगी।
राइट, अगर डे में आप ये स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्किन केयर में आपको सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना है, चाहे आप बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और अगर रात में आप ये स्किन केयर को फॉलो कर रहे हैं तो जो भी आपकी नाइट क्रीम है, एजिंग क्रीम है, आप उसको डेफिनेटली लगाएं, स्किप नहीं करना है। तो मैं इस तरह से कुछ अपने फिंगर पे लूंगी, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना नहीं है, तो इस तरह से मैं अपने फिंगर पे लूंगी और ऐसे ब्लेंड करते हुए ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद लिप के लिए मैं यहाँ पे वेजलिन यूज़ कर रही हूँ, मैं मोस्ट ऑफली इसे ही यूज़ करती हूँ, और बस अपने फिंगर की हेल्प से राइट। सारे स्किन केयर स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आई होप सो आपके सारे इन स्टेप्स को लेके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा स्टेप्स आपको कब लेना है इन स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, लव यू ऑल, बाय बाय।